वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया गदर मचा रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम विजय रथ पर सवार है। टीम अब तक खेले 6 के 6 मुकाबले जीत चुकी है। मैन इन ब्लू ने सेमीफाइनल का टिकट भी कटा लिया है और अब पूरा देश टीम से बस ट्रॉफी की आस लगाए बैठा है। विजय रथ पर सवार रोहित एंड कंपनी कमाल की फॉर्म में नजर आ रही है। टीम खेल के हर एक डिपार्टमेंट में धूम मचा रही है। अब 2 नवंबर को टीम इंडिया अपना लीग का 7वां मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। ये मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। याद कीजिए, ये वही मैदान है जहां 2 अप्रैल 2011 को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने श्रीलंका को ही हराकर 28 सालों के लंबे इंतजार को खत्म कर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। अब पूरे 12 सालों के बाद फिर श्रीलंका भारत के सामने खड़ा है। हालांकि मैच से पहले एक आंकड़ा ऐसा भी है जो रोहित एंड कंपनी को डरा रहा है। दरअसल मैच वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है और यहाँ के आंकड़े भारत को डराने के लिए काफी हैं। इस मैदान पर टीम इंडिया ने अब तक कुल 20 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिनमें 11 में टीम को जीत मिली और 9 में हार का सामना करना पड़ा। आंकड़े बहुत हद तक 50-50 ही रहे हैं। हालांकि भारत ने इस मैदान पर अपने जो पिछले 6 मुकाबले खेले हैं उनमें 3 में जीत मिली और 3 में हार का मुंह देखना पड़ा। खास बात ये रही कि ये तीनों मुकाबले टीम इंडिया ने लगातार गंवाए थे। 2015 में साउथ अफ्रीका ने भारत को 214 रनों से हराया था, जबकि 2017 में कीवी टीम ने टीम इंडिया को 7 विकेट से धूल चटाई थी। बात अगर 2020 की करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से पीटा था। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक इस मैदान पर कुल 3 वनडे मैच खेले गए हैं। इन 3 में 2 भारत ने जीते और 1 में जीत श्रीलंका को नसीब हुई। भारत ने 1987 में श्रीलंका को 10 रन से हराया था, जबकि 1997 में श्रीलंका ने भारत को 5 विकेट से धूल चटाई थी। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीता था। अगर ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 167 एक दिवसीय मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 98 जीते जबकि श्रीलंका को 57 में जीत नसीब हुई। 11 का कोई रिजल्ट नहीं निकला और 1 मुकाबला टाई रहा। यानी कि आंकड़े बहुत हद तक टीम इंडिया के पक्ष में ही जाते हैं। वैसे श्रीलंका की बात की जाए तो लंकाई टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में अब तक कुल 5 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में टीम को जीत मिली और 3 में हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने तो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन श्रीलंका बाहर होने की कगार पर खड़ा हुआ है। श्रीलंका ने 6 में से केवल 2 मुकाबले जीते हैं और 4 में टीम को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की टीम को अगर अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो हर हाल में भारत के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। श्रीलंका के बचे हुए मैचेस की बात की जाए तो 2 नवंबर को टीम का सामना भारत से होगा, जबकि 6 नवंबर को टीम बांग्लादेश और 9 नवंबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।